नमस्कार दोस्तों, इजलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा वसीयत के बारे में, एक महत्वपूर्ण कानून। जी हाँ दोस्तों, वसीयत एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। वसीयत आदमी की मृत्यु के बाद लागू होती है। आप वसीयत के बारे में सब कुछ जानते हैं, वसीयत को चैलेंज कैसे किया जाता है, किन ग्राउंड पे वसीयत को तुड़वाया जा सकता है, वसीयत मजबूत कैसे लिखी जाती है, वसीयत में क्या लिखा जाए कि एक वसीयत जो है वो दावे में भी खारिज ना हो, और वसीयत को चैलेंज करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, वसीयत के बारे में आप बहुत सारे कानून और प्रावधान पहले से जानते हैं अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, क्योंकि हमारे ज़मीन का ज्ञान जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने वसीयत के बारे में ये वीडियो डाली हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का विषय है वसीयत के गवाहों की अवेलेबिलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वसीयत एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 में बताया गया है कि वसीयत को कैसे साबित करना है। दोस्तों, अगर आप वसीयत को उसके अनुरूप साबित नहीं करते हैं तो वसीयत को कोर्ट में खारिज कर दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल ही ना हो, तो मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस गुजर गया है, एक्सपायर हो गया है, तब उस सूरत में क्या होगा। दोस्तों, वसीयत को कोर्ट में जब चैलेंज किया जाता है तो उसके एक अटेस्टिंग विटनेस की गवाही वसीयत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वसीयत की गवाह की गवाही कोर्ट में ना कराई जाए तो कोर्ट उस वसीयत को अमान्य कर देता है, तो उसमें फिर जो है सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अगर आप वसीयत को बचा के रखना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आज का हमारा जो वीडियो का विषय है वो मैं जो केस पढ़ रहा था वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये फैसला है और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इसी बारे में फैसला दिया है कि अगर वसीयत के जो गवाह है वो एक्सपायर हो गए हैं तो आप वसीयत को कैसे बचा सकते हो। दोस्तों, इस केस का टाइटल आप पहले नोट करेंगे, इस केस का टाइटल है हरिंदर पाल सिंह वर्सेस मोनिंदर पाल, RSA 40-43 साल 2019, तारीख फैसला 9/8/2022। दोस्तों, इस केस में भी सेम सिचुएशन थी, जो अटेस्टिंग विटनेस था, जो गवाह था वसीयत का, वो एक्सपायर हो गया था, और जब वसीयत का गवाह एक्सपायर हो गया तो कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर आप उसको साबित करना पड़ेगा आपको कि भाई वो जो गवाह है वो एक्सपायर हो गया, उसको प्लीड करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप जो है अल्टरनेट मोड पे जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप वसीयत का गवाह एग्जामिन नहीं कराते हैं तो वो लैकुना है केस में और वो वसीयत को इनवैलिड करवा सकता है कोर्ट में डिक्लेयर। तो अगर कोई गवाह एक्सपायर हो गया है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट या हम किसी गांव के किसी मौजूद या शहर के किसी मौजूद इंसान की, कोई MC नंबरदार पंच सरपंच की गवाही करा के आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई जो फलां बंदा टेस्टिंग विटनेस है वो एक्सपायर हो चुका है। और अगर कोई बंदा एक्सपायर हो चुका है जो टेस्टिंग विटनेस है, तब आप वसीयत को कैसे साबित करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए जैसे मान लीजिए टेस्टिंग विटनेस पढ़ा लिखा हो, वो कहीं जॉब करता हो, या उसने कोई ज़मीन कभी खरीदी या बेची हो, या उसने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया हो, तो ऐसा किसी भी ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड में जहाँ पे उसने साइन कर रखे हैं पहले, या अगर वो अनपढ़ है तो अंगूठा लगा रखा हो उसने, या कोई ऐसा बुज़ुर्ग है जो अपने कोई पेंशन लेता हो उसके रिकॉर्ड में अंगूठा लगा हो उसका, या कभी कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी हो वहाँ पर उसकी डीड में उसका साइन हो, या कहीं गवाही दी हो, या कोई कोर्ट केस में कहीं पे, मतलब ऐसी जगह जहाँ के रिकॉर्ड को कोर्ट अथेंटिक मान सके, ऐसी जगह के आप सिग्नेचर या अंगूठे को उससे कंपेयर करके आप उसको साबित कर सकते हो कि ये टेस्टिंग विटनेस मौजूद था। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अगर गवाह वसीयत का गुजर जाए तब उसको आप कैसे साबित करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।